अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक सीक्वेंस है, ठीक है। सीक्वेंस हमारे पास दो किस्म की होता है, एक एरिथमेटिक सीक्वेंस और दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ठीक है। एरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, ज्योमेट्रिक में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवीजन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, हर क्वेश्चन तो ऐसा पूछा कि इसमें ये इसका कोई रोल नहीं है, क्वेश्चन तो बस जस्ट ऐसा पूछा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1, 3, 6, 10, 15 और डैश, मीन्स इसके बाद टर्म कौन सा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिवीजन हुआ है, ठीक है। +2, 1 के साथ 2 जमा की है 3 आई है, 3 के साथ 3 जमा की है 6 आई है, और 6 के साथ 4 जमा की है तो 10, 10 के साथ 5 तो 15। तो अब 15 के साथ हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, ये हमारे पास एरिथमेटिक हो गया, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि 81 लिखा हो, 27 लिखा हो और डैश, तो अब देखो यहाँ पर ये 3 पर डिवाइड करे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 पर करे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिवीजन है, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। इस तरह अगर सिंपल सीक्वेंस का क्वेश्चन आ जाए तो वो तो ईजी है ना, वो तो मतलब या एडिशन हो गया, कोई ट्रिक तो होगा ना, या एडिशन होगा या मल्टीप्लीकेशन होगा या ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा होगा कि 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा होगा, या ऐसा होगा कि 3, 9, 27, 81, ठीक है, ऐसा होगा, मतलब इस तरह सीक्वेंस ना। लेकिन इसमें जो कोई ना कोई इसमें तो कोई ना कोई ट्रिक होगा, उस पर आप लोग वो मालूम करेंगे तो उस पर आप लोग सॉल्व करें। अब यहाँ पर यह है कि 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 4 है, तो नेक्स्ट टर्म लाजमी 3 की पावर 5 होगा ना, ठीक है। लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वो टेस्ट में पूछी भी जाते हैं, तो वो है हमारे पास 3 किस्म के। पहला हमारे पास है कि एनिथ टर्म मालूम करना, ठीक है, एनिथ टर्म मालूम करना। वो ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है कि 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, इसका 100 टर्म कौन सा होगा, पॉइंट दी पॉइंट 100 100 टर्म, ठीक है। इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एन टू डी, ठीक है, ये है। तो अब इस पर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, फॉर एग्जांपल हमें दिया गया है कि 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट, किसका 9th टर्म मालूम करें, ठीक है, 9th टर्म मालूम करना है। तो आप लोग देखो यहाँ पर तो हम फार्मूले में एक जगह इनिशियल टर्म, ठीक है, तो वो 2 लिख देंगे, प्लस एन की जगह जो टर्म मालूम करना है, तो हमने 9th टर्म मालूम करना, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे -1, और डी की जगह हम डिफरेंस लिख देंगे कि 2 टर्म के दरमियान कौन सा कितना डिफरेंस है, तो ये 3 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा कि 2 प्लस 8 की इन टू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 2 प्लस 24 इज इक्वल टू 26। इट्स मीन कि जो 9th टर्म है वो हमारे पास क्या होगा, 26 होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 26। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9th टर्म हमारे पास 26 है। इस तरह आप लोगों से 100th टर्म पूछा होगा कि 100th टर्म कौन सा है या 50th टर्म कौन सा है, तो वो इस फार्मूले पर सोल्व करेंगे।
अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि 17, 28, 39, 50 इसका सिक्स्थ टर्म, सिक्स टर्म किया होगा, ठीक है। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर किया है, इन दोनों के दरमियान पहले डिफरेंस मालूम करें, 17 है ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 11 डिफरेंस है, ठीक है। पहले हमने इसका डिफरेंस मालूम किया, ठीक है। आप फार्मूले में पुट करते हैं, कौन सा टर्म हम मालूम कर रहे हैं, सिक्स टर्म। तो ए सिक्स इज इक्वल टू, एक जगह हम फार्मूला हमारे पास ये था ना कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फार्मूला था हमारे पास। तो अब एक जगह हम इनिशियल टर्म लिख देंगे, इनिशियल टर्म हमारे पास 17 है प्लस एन एन एन, हमारे पास ये है कि हम कौन सा टर्म मालूम, तो हम सिक्स टर्म मालूम करने हैं माइनस वन, और डी डिफरेंस तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि 17 प्लस 5 इन टू 11, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 प्लस 11 इंटू 5 55, सो इसको प्लस करना था हमारे पास 72, तो ये हमारे पास सिक्स टर्म आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि सीक्वेंस दिया है कि 1, 4, 7, 10, ठीक है, किसका 101 टर्म मालूम, 101 टर्म मालूम करो, ठीक है। तब हम फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को, एक ही जगह 1 लिख देंगे प्लस एन, कौन सा टर्म मालूम करना है, 101 माइनस 1 हो जाएगा, और डिफरेंस इसमें कितना है, 3 है ना, 1 और 4 के दरमियान 3, 3, 3, तो डिफरेंस हम 3 लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 1 प्लस 100 इंटू 3 हो जाएगा, सो 1 प्लस 300, और ये हमारे पास 301 301 बन जाएगा। सो मीन्स कि इस सीक्वेंस का हमारे पास 101 वा टर्म किया होगा, 301 होगा, ठीक है। या ऐसा है कि 6, 1, 6, 12, 18 इसका फिफ्थ टर्म मालूम करो, तो वैसे भी इजी है ना, 6, 6 डिफरेंस है, तो 12, 18, 24 और 30 हो जाएगा। बट खैर फार्मूले से हम करते हैं, हमारे पास ए फाइव इज इक्वल टू इनिशियल टर्म 6 प्लस एन फिफ्थ टर्म है माइनस 1, और डिफरेंस में 6 है, इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इन टू 6 इट इज इक्वल टू 6 प्लस 24 इज इक्वल टू 30। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें एनी टर्म मालूम करना हो, तो ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। ये फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो सीक्वेंस में हमने फर्स्ट किया कि फाइंड दी एनिट नंबर, एनिट टर्म, ठीक है। दूसरा इसमें है ना कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, टर्म्स की तादाद मालूम करना। फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस दिया होगा ना इस तरह कि बताए इसमें कितने टर्म्स है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि 4 और सबर हमारे पास है कि 10, 20, 30, 100, ठीक है, कि इस सीक्वेंस में हमारे पास कितने टर्म्स है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है, एन इज इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। एन इज इक्वल टू एल की जगह हम लास्ट टर्म लिखेंगे, तो इस सीक्वेंस में लास्ट टर्म हमारे पास 100 है, ठीक है, 100 माइनस ए हम लिखेंगे इनिशियल टर्म के लिए, तो ये 10 है डिवाइडेड बाय, हमारे पास डिफरेंस कितना है, देखो 10 डिफरेंस है ना, 10 और 20 के दरमियान 10 डिफरेंस, 20 और 30 के दरमियान 10 डिफरेंस हो, तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा 90
बटे 10 प्लस 1, तो इसे हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास 10 टर्म्स है। ठीक है, इजी भी है, 1 2 3 और एक ऐसा होगा ना कि 10 20 30 40 और 50 60 70 80 90 100। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 टर्म्स हो गए, लेकिन ये फार्मूला है ना, ये तो इजी था, इसलिए हम वैसे भी कह सकते हैं। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो मीन्स फिर हम उसको डायरेक्ट किस फार्मूले के थ्रू इजीली मालूम कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि एक और सीक्वेंस है कि 5 10 15 20 और ये 500 तक है, तब बताइए कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, सिंपली फार्मूले में हम पुट करते हैं कि n इज इक्वल टू l, l की जगह हम क्या लिख देंगे, 500 माइनस a, a की जगह इनिशियल टर्म, डिवाइड बाय डिफरेंस, ये 5 हो जाएगा। तो डिफरेंस हमारे पास कितना है, डिफरेंस हमारे पास 5 का डिफरेंस है एंड प्लस 1। ठीक है, तो इसे आ जाएगा 495 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1। ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या जाएगा, इसे हमारे पास आ जाएगा 99। ठीक है, सो इज इक्वल टू 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 100 टर्म्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म इस तरह मालूम करना है। अब तीसरा हमारे पास है, जो थर्ड केस है वो हमारे पास है कि मतलब क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये होता है कि सम ऑफ सीक्वेंस मालूम करना। ठीक है, सम ऑफ सीक्वेंस मालूम करना। ठीक है, ये थर्ड है, यानी टर्म मालूम करना, नंबर ऑफ टर्म मालूम करना और सम ऑफ सीक्वेंस मालूम करना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये एक सीक्वेंस है, किसका सम कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम टू स्टेप करेंगे। ठीक है, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने का फार्मूला तो मैंने आप लोग को बता दिया कि n इज इक्वल टू l माइनस a बटी d प्लस 1। ठीक है, तो l की जगह 100 लिख देंगे, a की जगह इनिशियल वैल्यू 10 लिख देंगे, डिफरेंस के दरमियान 10 है और प्लस a, तो ये खैर हमने की भी ना, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने आ गए, 10 आ गए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप जो है इसमें हम इस फार्मूले के इस्तेमाल करेंगे कि s इज इक्वल टू n a प्लस l डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बस ये फार्मूला है। अब n की जगह हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स, तो 10, a की जगह हम क्या लिख देंगे, इनिशियल वैल्यू, प्लस l की जगह हम क्या लिख देंगे, लास्ट टर्म। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाय 2 नहीं, सॉरी, यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस है, नहीं डिफरेंस नहीं, 2 है। ठीक है, तो हमारे पास 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 10 और इससे क्या आ जाएगा, 101। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो 101 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। ठीक है, ये आ गया। अब 101 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, इसे हमारे पास आ जाता है 55। ठीक है, 55 को जब हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसे हमारे पास आंसर आ जाएगा 550। ठीक है, तो इस तरह हमने इस सीरीज का सम आपस में जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 550 आ जाएगा ना। ठीक है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 50 60 70 80 90 और 100। एक सीक्वेंस है ना, पहले हमने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम की तो वो 10 थी और फिर हमने उसको इस फार्मूले के थ्रू इसकी सम मालूम की। एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 या 500 तक। ठीक है, कि इस सीक्वेंस का सम मालूम करे, तो नंबर ऑफ टर्म मालूम करना हो तो मैंने बता देना, और इसी का मैंने नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम की, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे थे,
100 आ रहे थे, ठीक है, एन हमारे पास 100 आ रहा था, ऑलरेडी मैंने फार्मूली पी की ना, तो अब इसका सम हम मालूम करेंगे, सो सम इज इक्वल टू एन ए प्लस एल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एन की जगह हम 100 लिख देंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ए की जगह हम इनिशियल 5 लिख देंगे, एल की जगह हम 500 लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 इन टू 505, इससे ना 505 डिवाइड बाई 2, ये 1 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 50 इन टू 505 विच इज इक्वल टू 25,250, ठीक है। तो इस सीक्वेंस के हमारे पास 100 टर्म्स थे, नंबर ऑफ टर्म्स 100 थे, ठीक है, और इसको हमने फिर इसकी सम, मतलब ये सारे सीक्वेंस इसमें जितने भी आ जाए 30, 40 और 100 500 तक ना, सबको जब हम ऐड करेंगे तो इसे हमारे पास 25,250 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस के क्वेश्चन थे। बस एक और टॉपिक है पिक्टोरियल का, ठीक है, इसको मैंने स्केप कर दिया था, बट चूंकि इसके क्वेश्चन आए थे मुझे पता नहीं था, अब किसी मेंबर ने सेंड की तो हम इस पर बात करते। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पिक्टोरियल है, ठीक है, तो वो हमारे पास 2 इंटू 1 के बराबर होते, इधर 3 पिक्टोरियल है तो वो हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर होता है, इस तरह अगर 4 हो तो वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह इसके बराबर होते हैं। या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 पेक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 पेक्टोरियल, ये 3 पेक्टोरियल के बराबर है ना। तो इसके वो क्वेश्चन ये थे ना, क्वेश्चन को आप लोग देख ले, इसमें एक था कि एन हाउ मेनी वेज 6 कप्स कैन बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ, ठीक है, शेल्फ पर हमारे पास 6 कप्स है, उसको मतलब हम कितने अरेंजमेंट में रख सकते हैं, तो इसका इजी आंसर यह है कि डायरेक्ट 6 पेक्टोरियल लो, ठीक है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो इसे हमारे पास आंसर आ जाएगा, इस सबको मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास आंसर आ जाएगा 720, तो हम इस 6 कप को 720 अरेंजमेंट में रख सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ रो, इस तरह के क्वेश्चन है ना, सो दैट दे आर अल्टरनेट, यहाँ पर देखो 4 बॉयज 3 गर्ल्स, इसका हम ऐसा डायरेक्ट कर देंगे कि 4 पेक्टोरियल इंटू 3 पेक्टोरियल, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, ठीक है, ये 4 पेक्टोरियल हो गया और ये 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो इसे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे हमारे पास आ जाएगा 24, 3 4 12, 12 दुना 24, ठीक है, इंटू 3 दुनी 6, ठीक है, और इसे हमारे पास आ जाएगा 4 6 24, 4 2 हासिल, 2 6 12 तो 2 14, सो ए 144 तरीके से हम इसको बिटा सकते हैं। अब अगर इस तरह आ जाए कि 2 पेक्टोरियल इंटू 3 पेक्टोरियल, तो बस 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, सो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास 6 12, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि 3 पेक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पेक्टोरियल, इसको हम इस तरह लिख कि 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू, इससे हमारे पास 6 आ जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3, या हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 पेक्टोरियल डिवाइड बाई 2 पेक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पेक्टोरियल, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पेक्टोरियल, ठीक है, तो ये कट हो जाएगी, इस इज इक्वल टू 3, ठीक है। या अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए हमारे पास के 4 पेक्टोरियल माइनस 3 पेक्टोरियल, तो बस 4 के पेक्टोरियल हम मालूम करेंगे, जो हमारे पास 24 हमने दो तीन बार किया 24 आ गया, 3 का पेक्टोरियल हमारे पास 6 आता है इज इक्वल टू 18, ठीक है। या अगर हमारे पास ऐसा कि 4 पेक्टोरियल
प्लस टू पेक्टोरियल, ठीक है, फोर पेक्टोरियल फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस टू पेक्टोरियल टू इंटू वन इज इक्वल टू हमारे पास 24 प्लस टू इक्वल टू 26, ठीक है, बस ये कहना ठीक है। इसमें बस ये था, अगर मैंने जल्दी जल्दी की ना, क्योंकि फिर वीडियो की साइज़ जो है वो बढ़ जाती है और फिर सेंड होने में टाइम बहुत लगता है।